सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्वायर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश टेक वीडियो में, और आज हम आपके लिए लेके आए काफी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज़। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट जो निकल के आ रही है हमारी वन प्लस को लेके, वन प्लस ने डेवलप करना शुरू कर दिया एक टीवी को जिसका होगा प्रीमियम फ्लैगशिप डिजाइन जो कि होने वाला है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ। अब मेन बात यह है इस टीवी का जो नाम है वो रखने वाले इसके यूजर, जैसे कि पिछली बार वन प्लस ने एक चीज लॉन्च की थी भाई जो ओएस आने वाला है उसका नाम रख लीजिए, और लोगों ने बताया भी काफी सारी कम्युनिटी में, मतलब काफी सारा फीडबैक दिया गया, उसके बाद उसका नाम रखा गया था ऑक्सीजन ओएस। और वैसे ही भाई ट्रेंड को फॉलो करते हुए या फिर कहूँ ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए वन प्लस ने अपने जो नया टीवी आने वाला है जिसको अभी वो डेवलप कर रहा है उसका नाम चूज करने की मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी उसके व्यूअर्स को। तो जाइए यार आप भी सपोर्ट कीजिए या फिर आप भी फीडबैक दीजिए उनकी कम्युनिटी में जाकर। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो उस समय जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है हवावी P20 Pro को लेके, जिसकी प्राइस घटा दी गई है 500 यूरो तक, क्योंकि हवावी लॉन्च करने वाला है, मतलब बस लॉन्च करने ही वाला है May 20 और May 20 Pro October 16, 2018 लंदन के अंदर। अब मेन बात ये है भाई सबको पता है जब नए प्रोडक्ट्स आएगा तो पुराने का कौन पूछेगा, इसलिए इसको फटाफट निकाल रहे डिस्काउंट दे देकर। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मतलब नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आईफोन एक्सेस को लेके, जिसकी टीजर जो है वो रिवेल हो चुका है, मतलब इसके अंदर जो बैटरी आने वाली है वो मेनली पता लगी है वो आने वाली है एल शेप की। अब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मतलब भाई कल रिलीज होने वाला है आईफोन, यानी कि आईफोन XS और XS मैक्स जो कि कल रिलीज होगा, उसकी काफी सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। इसको लेकर मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, लेकिन काफी सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। और भाई इसके अंदर हो सकती है वाटर टाइट सील्स और बहुत कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है GoPro Hero 7 कैम्स को लेके, जिसने अनाउंस कर दिया 3 नए कैमरास। अब मेन बात ये है भाई ये सारे रिकॉर्ड करने वाले हैं 4K एट द रेट ऑफ 60 FPS पर, और साथ ही साथ इसका जो कैमरा होने वाला है वो होगा 12 मेगापिक्सल का, और ये जो फोटो कैप्चर कर सकता है ये हो सकती है 30 FPS पर। अब भाई मेन बात ये है जो इसका ब्लैक मॉडल है वो कर सकता है लाइव स्ट्रीम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्लैक मॉडल ही लाइव स्ट्रीम कर सकता है 4K एट द रेट ऑफ 60 FPS, और जिसकी स्पीड होने वाली है वो होगी 70 Mbps। अब ये थी काफी ही इंटरेस्टिंग सी अब बात। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो उस समय जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ये नोकिया 7.1 प्लस को लेके, या फिर मैं कहूँ X7 को लेके, जिसने भाई आने वाली है वाटर ड्रॉप नोच और डुअल जीज कैमरा। मतलब भाई ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन अभी आपको पता है, नोकिया 6.1 रिलीज हुआ है और नोकिया ने शुरू कर दिया भाई टीज करने, टीजर्स, लीक्स, काफी कुछ चीजें। अब हमारे पास काफी सारी डिटेल्स आने वाली है और मैं इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उससे पता लगेगी यार काफी सारे डिटेल्स इस फोन के बारे में जो काफी सारे लीक्स। बस बढ़ते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एप्पल आईफोन एक्सेस को लेके, जिसने भाई कंफर्म कर दिया है कि वो आने वाला है टॉप स्पीड के साथ। जैसे कि आपको बताया जो अभी एंड्रॉइड के करंट बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट्स को, वो भी आईफोन एक्स के आगे नहीं टिक रहे और ये लेके आ चुके हैं और भी पावरफुल स्पीड के साथ आईफोन XS और XS मैक्स, जिनकी हो गई भाई अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ 1+6 जो कि काफी स्पीड है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 से भी ज्यादा स्पीड है, उसके जो मैचेस हैं एक प्रोसेसर के वो होते हैं 9088, बट एक जो एप्पल XS है वो होने वाला है 11420 और XS मैक्स होने वाला है वो होगा 11515। यानी कि भाई अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी स्पीड है, और एप्पल तो ये तक दावा कर रहा है कि वो आईफोन X जो पिछले साल रिलीज किया था वही ऑलरेडी इनके बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन की टक्कर में है, यानी कि उनके जो मैचेस थे वो थे 10357। अब भाई ये थी कुछ कमाल की अपडेट, क्योंकि एंड्रॉयड एप्पल के पिछले साल के फोन से भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो पर यार हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। खैर बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है Xiaomi Mi 5 को लेके, जिसने भाई रिसीव करनी शुरू कर दी है MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल। अब भाई इस फोन को रिलीज हुए 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और अब ये लोग लेके आ रहे हैं MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल। खैर ये काफी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई इसकी जो अब साइज होने वाला है वो है 549 MB का, और साथ ही साथ इसके अंदर काफी सारे न्यू अपडेट्स है, जैसे कि नेविगेशन जेस्चर्स आने वाले हैं, कुछ ऑल न्यू UI तो होगी होगी विद फुल स्क्रीन सेंट्रिक डिजाइन, और भाई नेचुरल साउंड सिस्टम होने वाला है, और कैमरा में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स होगी, जैसे कि भाई बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की फॉर सिंगल कैमरा। अब भाई बस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
तो उससे बड़ा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लेके, जिसने भाई अपडेट डाल दी है ताकि आप डिसेबल कर सके बिक्स बाई बटन को। अब इसकी भाई मेन बात जो ये है कि भाई इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग भाई कि आएगा इस महीने की शुरुआत में, और ये आ भी गया है। अब ये काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड थी इस चीज की, भाई जो बिक्स बाई बटन था उसे बंद करो बंद करो बंद करो, तो लो भाई बंद हो गया। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो उस समय जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारे ट्विटर को लेकर, ट्विटर में हिंदी ट्वीटिंग हो चुकी है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। अब भाई इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडिया से, और अब हो रही है ये यूएस में भी, मतलब जो इंडियंस यूएस के अंदर रहते हैं उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है हिंदी के अंदर। अब ये काफी अच्छी बात है क्योंकि यार हम अपनी लैंग्वेज को काफी सारा महत्व दे रहे हैं। अब अच्छी बात है भाई, ट्विटर पे आओ हिंदी में ट्वीट करो, फेसबुक पे जाओ हिंदी में ट्वीट, हिंदी में फेसबुक पे पोस्ट करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, एक तरीके से अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देना है और ये काफी ही अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मुझे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है रियलमी 2 प्रो को लेके। अब भाई मेन बात ये है ये आने वाला है स्पोर्ट्स स्नैपड्रैगन 660 के साथ, और इसके अंदर आपको मिल सकती है वाटर ड्रॉप नोच, ये बात कंफर्म की है सीईओ माधव सेठ ने। अब भाई ये जो चीज है ये रिवील हुई थी आज यूट्यूबर जो है गौरव चौधरी उनके साथ एक इंटरव्यू में, और ये जो है रिलीज होने वाला है 27 सितंबर को। ये कुछ अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मुझे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है और ये एशियन टेस्ट्रा और क्वालकॉम ने कंप्लीट कर लिया वर्ल्ड फर्स्ट 2GBPS 4G डाटा कॉल। यानी कि भैया ये थी काफी कमाल की बात, मतलब भाई 2GBPS ऑफ स्पीड, 2GBPS ऑफ स्पीड, यानी कि अब एंड्रॉयड में देखने को आपको बहुत जल्द मिल सकता है भैया 2GBPS ऑफ स्पीड 4G डाटा कॉल। अब ये अच्छी बात है, खैर देखते हैं इंडिया में कब तक आता है भाई। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक लिख कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, और साथ ही साथ जाने से पहले सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना क्योंकि भाई उन्हें भी तो पता लगे इस दुनिया में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।